साहब आज मैडम बुला रही है। हाँ वासे की सजा का तो तुम्हें इल्म हो ही गया होगा, खुशी भी बहुत हुई होगी, यही चाहते थे ना तुम? नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखो हाँ मैं मानता हूं मैं अपनी लालच में बहक गया था, पर यकीन करो मुझे वासे के लिए दिल से काफी दुख है। हमने एक साथ वक्त गुजारा है अदीला, मुझे उतनी ही तकलीफ है जितनी तुम्हें। झूठ बोल रहे हो तुम, सब जानती हूँ। तुम अभी भी यहाँ अपनी मजबूरी में आए हो, मेरे या मेरे भाई की फिक्र में नहीं। नहीं ऐसा हरगिज नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर इस इम्तिहान की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं। तुम्हारे साथ रहकर अब सिर्फ मेरी अजियतों में इजाफा होगा। जब तुम्हारी शक्ल देखती हूं तो मुझे अपने भाई की तकलीफें याद आती है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बीच में जो सिर्फ कागजी रिश्ता रह गया था ना, मैं बहुत जल्द उसे भी खत्म करने वाली हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती अदीला, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना, याद है? याद है ना? हाँ? कैसे भुला सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। काश उसी लम्हे मेरा दिल मर चुका होता, आज मेरा भाई अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ना गिन रहा होता। ये दिला मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी सजा मत दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। दीला प्लीज खुदा का वास्ता मुझे बख्श दो। छोड़ो मेरा पैर, मैंने कहा है ना तुम्हें कि मैं अपना फैसला कर चुकी हूं। तुम शराफत से यहां से निकलो, मुझे दोबारा कभी नजर मत आना। अदीला